नाउ आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। करंट आप सभी को पता है, जो फ्लो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, जिसकी वजह से पंखे लाइट सब चल रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेबल द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग विद द डायग्राम राइट इन द स्पेस प्रोवाइड। अब आपको इसको लेबल करना है और साथ ही में फिर देखना है कि क्या मिस्टेक है इसमें, और उसको बताकर आपको ये नीचे राइट करना, तो ये आप लोग खुद ही करेंगे। फिर है एक और क्वेश्चन दिया है, रीड्रॉ द करेक्ट डायग्राम यूजिंग सर्किट सिंबल्स। अब सर्किट सिंबल का यूज करके आपको क्या करना है, एक फिर से डायग्राम ड्रॉ करना। सर्किट सिंबल बहुत ही ज्यादा अच्छे से लास्ट ईयर आपको पढ़ाया गया है, स्पेशली मैंने जिन सेक्शन में पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया, और निशा मैम ने पढ़ाया वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आप लोगों को, सभी बच्चों को सर्किट डायग्राम आता है, तो आप लोग वो बनाएंगे और सभी की बुक में वो बना हुआ होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। आप जब अपनी कॉपी चेकिंग के लिए मंगाया जाए या आपको जब होमवर्क मिले तो पीडीएफ फॉर्म में गूगल क्लासरूम पे डालें उसे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। लेट अस लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस चैप्टर। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट, उसकी हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, थोड़ा पुराना नॉलेज जो है उसे वापस ताजा करते हैं अपने दिमाग में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बंद पाथ, क्लोज मतलब पूरी तरह से वो बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज इफ इट फॉर्म्स एन अनब्रोकन और कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट टू फ्लो। एक सर्किट क्लोज कब कहलाता है, जब उसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी ओपन ना हो, कहीं पर से कोई भी वायर, कोई भी प्लग निकला हुआ ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस पाथ या फिर क्लोज्ड सर्किट। दिस सर्किट इज सेट टू बी ओपन इफ द पाथ इज इनकम्प्लीट। और अगर द सर्किट इज सेट टू बी ओपन इफ द पाथ इज इनकम्प्लीट, और अगर पाथ इनकम्प्लीट है, मतलब कहीं से भी वायर निकला हुआ है या स्विच निकला हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट सर्किट कहा जाता है, मतलब ओपन सर्किट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट व्हेन इट इज क्लोज। और इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब सर्किट क्लोज होता है, पूरी तरह बंद होगा तो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वरना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। अ सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, अ स्विच, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और बल्ब एंड अ कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग वायर्स। क्या क्या चीजें होती है सर्किट में, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी चाहिए आपको, स्विच होना चाहिए जिसे ऑन या ऑफ कर लें आप, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होना चाहिए या फिर एक छोटा बल्ब हो, और कनेक्टिंग वायर्स, और वायर जो इन सबको कनेक्ट करें। कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर डिस्कस्ड बिलो। अब सारे कंपोनेंट नीचे दिए हैं, उन्हें देखते हैं हम क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक ऐसा सोर्स है, या बैटरी क्या है, एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, और वही स्टोर्ड एनर्जी कहाँ जाती है, सर्किट में जाती है। टू और मोर सेल में बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ बैटरी। अगर आपको बैटरी बनाना है तो दो सेल को आप जोड़ लें, या फिर दो से ज्यादा सेल को जोड़ लें तो वो बैटरी बन जाता है, या फिर सिंगल सेल से भी करंट फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अगर आपको चेक करना है कि हाँ क्लोज सर्किट है, तो आपको एक बल्ब लेना होता है, ताकि अगर वो बल्ब जल गया, मतलब वो बल्ब में अगर लाइट आ गई है, तो मतलब समझ जाइए ग्लो करिए, अगर वो समझ जाइए कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो वो जला है, वरना वो नहीं जलता। इलेक्ट्रिक स्विच, एन इलेक्ट्रिक स्विच इज सेट टू बी क्लोज्ड और ब्रेक द सर्किट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक स्विच किस लिए काम आता है, या तो सर्किट को क्लोज करने के लिए या फिर उसे तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट फ्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन और द सर्किट इज क्लोज। अब इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, तब फ्लो होता है जबकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन होता है, ठीक है, मतलब कि सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। स्विच ऑन में सर्किट क्लोज होता है और स्विच ऑफ में सर्किट ओपन होता है।
नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑफ और द सर्किट इज ओपन. अगर ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर. कनेक्टिंग वायर कनेक्ट्स द वेरियस कंपोनेंट टू फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. अब वायर अगर नहीं होगी तो फ्लो कैसे होगा, करंट बल्ब तक कैसे पहुंचेगा बैटरी से. तो इसीलिए वायर का यूज किया जाता है सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो. कनेक्टिंग वायर आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम. अब कनेक्टिंग वायर आप प्लास्टिक का नहीं ले सकते, प्लास्टिक की कोई भी आपने थ्रेड लगा लिया, धागा लगा लिया, नहीं. कनेक्टिंग वायर हमेशा एक गुड कंडक्टर होना चाहिए. कंडक्टर आपको बताया दैट कैन पास द करंट फ्रॉम देम. ठीक है. कंडक्टर्स होना चाहिए, अच्छा कंडक्टर हो जैसे कि कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो कर जाए. ठीक है. अब सर्किट डायग्राम और सर्किट सिंबल्स देखते हैं क्या है. द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम. एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, एक बिल्कुल ढंग का रिप्रेजेंटेशन होना इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल बने हो हर एक चीज के, हर एक चीज का एक सिंबल होता है. तो वो जब सिंबल एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रहता है तो उसे कहा जाता है सर्किट डायग्राम. इट मेक्स रिप्रेजेंटिंग सर्किट मोर कन्वीनियंट. और ये इससे क्या कर सकते हैं, इजिली समझा सकते हैं किसी को भी कि हाँ ये एक डायग्राम के थ्रू आप पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है. जैसे कि यहाँ बैटरी है, ये वायर है, ये स्विच है और ये बल्ब है. ठीक है. अब ये क्या है, ये क्लोज सर्किट है, मतलब ये बल्ब जल गया है यहाँ पर. ओके. नाउ यहाँ पर बैटरी है, वायर है और स्विच है, ये ओपन है, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है. तो ये था आपका सर्किट डायग्राम. स्पेसिफिक चीजें दिख रही है हमें, बैटरी दिख रही है, वायर दिख रहे हैं, स्विच दिख रहे हैं और बल्ब दिख रहे हैं. नाउ सम कॉमन सिंबल्स, सम कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स आर गिवन इन टेबल दिस. अब टेबल में आपको दिया हुआ है ये सिंबल्स. देखो इलेक्ट्रिक सेल अगर एक है सेल तो ये डायग्राम. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है मतलब वो बैटरी बन चुका है, तो बैटरी का डायग्राम ये होगा. ओपन अगर ऑन ऑन है मतलब सर्किट तो ऐसा होगा, क्लोज है सर्किट तो ऐसा होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा बनाया गया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा बनाया गया है और कनेक्टिंग वायर सिर्फ सिंपल लाइन. ठीक है. तो ये आपको याद होना चाहिए, कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, कभी भी काम आ सकते. नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट पे क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो हीटिंग क्यों होती है, या इलेक्ट्रिक करंट की निशानी हीटिंग क्यों बताई गई है, देखते हैं. हैव यू एवर टच अ लिट टॉर्च बल्ब. कभी आपने जलता हुआ बल्ब को टच किया टॉर्च के, डज इट फील हॉट टू टच, गर्म फील होता है उसमें, ऑफकोर्स होता है. ठीक है. वाई डू यू थिंक द बल्ब फील्स हॉट, क्यों बल्ब जो है वो हमें गर्म नजर आता है. As you have already learned in class 6 that the common electric bulb are shown in figure this consists of coiled filament. This filament is made up of tungsten which is with very high melting point that gets heated when electric current passes through it. हमने पढ़ा था 6th class में कि ये tungsten से बना होता है, ये element जो wire होता है bulb के अंदर का, ठीक है, filament जो होता है वो tungsten से बना होता है और इसके melting point बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जैसे ही इसके ऊपर current flow होता है तो ये गर्म होना start हो जाता है. ठीक है. Hence the bulb gets heated as the current pass through it. This effect is called the heating effect of electric current. तो इससे भी पता चल जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है तभी तो बल्ब गर्म हुआ, वरना बल्ब ठंडा रहता. ठीक है. तो करंट फ्लो हुआ है यहाँ पर और उसने क्या किया है, इस फिलामेंट को, इस टंगस्टन को गर्म कर दिया है, हीट पहुंच गई इसके ऊपर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑकर बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडक्टिंग मटेरियल रेजिस्ट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम resulting in the conversion of some electrical energy into heat energy. अब इसमें क्या होता है कि heating effect जब होता है तब जब होता है जब conducting जो material है वो current को पूरी तरह pass नहीं होने देता, current के passage को वो रोक देता है, तो जो current है वो एक दूसरे form of energy में बन जाता है जो कि क्या हो जाता है, electrical energy से बन जाता है वो heat energy में, इस वजह से वो चीज गर्म हो जाती है. ठीक है. The heating effect depend on the strength of the current, the material of the conductor, the length and the thickness of the conductor and the time for which the current is passed through it.
अब वो किन चीजों पर डिपेंड करती है हीटिंग इफेक्ट? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ क्या, मतलब किस हिसाब से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। फिर कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर का मटेरियल क्या है। फिर लेंथ या थिकनेस कितनी है उस कंडक्टर की या वायर की, ठीक है। फिर टाइम फॉर विच द करंट इज पास हुए और किस टाइम पर वो करंट पास हो रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर क्या डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। क्यों होता है हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि कुछ मटेरियल्स होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं रेजिस्ट करते हैं, मतलब रोकते हैं करंट को फ्लो होने में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्या करती है, बल्ब को गर्म कर देती है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड इन सेवरल हाउस होल्ड अप्लायंसेज सच एज हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक केतलीज। अब इतनी जगह पर ये गर्म चीजें को हम यूज कर लेते हैं, देखा जाए तो ये एक ड्रॉबैक होता है चीजों का, मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो रहा इसलिए वो गर्म हो गया है, बट इसको भी क्या किया है ह्यूमंस ने, उसको एज अ हीटर्स में, आयन में, टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक केतलीज में यूज कर लिया, ठीक है। ऑल द अप्लायंसेस कंटेन विथिन देम अ कॉइल कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट, और इन सब अप्लायंस के अंदर ऐसी एक कॉइल होती है, ठीक है। ये कॉइल दिख रही है आपको, ये कॉइल होती है जो क्या करती है हीट को, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को, हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारी चीज गर्म हो जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, हीटिंग एलिमेंट। इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दैट टर्न्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। अब ये किससे बनी हुई, कंडक्टिंग मटेरियल से ही बनी हुई है, जिस जब भी इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है तो ये गर्म हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट इज एलॉय निक्रोम, ठीक है। एलॉय निक्रोम होता है जिसके अंदर निक्रोम, एलॉय का होता है दो मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है। नाइक्रोम होता है जिसके अंदर निकल और क्रोमियम होता है, निकल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। निक्रोम वायर हैव हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अब ये जो निक्रोन है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब ये करंट को बहुत कम फ्लो होने देता है, डायरेक्ट पहुंचने नहीं देता है, ये बीच में ही रोकता रहता है और ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, मतलब अच्छे खासे टेम्परेचर भी ये खराब नहीं होता है। अदर अलॉयज यूज आर मैगनीन एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट, हाँ कॉन्स्टेंट ही है ये भी यूज होते हैं इसके अंदर, आपको बता रखा है कितना परसेंटेज, जैसे कि कॉन्स्टेंट में 55% कॉपर होता है, 45% निकिल होता है और मैग्नीन में 48% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक वायर विथ हीटर, ये आता है ना, ये हीटर होता है पानी गर्म करने के लिए काम आता है, प्रेस होती है। नाउ टू ऑब्जर्व हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या दिया है। ड्राई सेल वायर स्विच एंड टॉर्च बल्ब, ये आप इजिली कर सकते हैं, ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप बनाएंगे ये एक्टिविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना है आपको कि आपको इस टाइम पर हमेशा किसी बड़े के साथ काम करना है, कभी भी अकेले आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। ऑब्जर्व एन इनडेसेंट बल्ब दैट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, अपॉन केयरफुली ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड दैट द फिलामेंट इनसाइड इट इज बर्न्ड और ब्रोकन। अब अगर जो बल्ब, जैसे कि बोलते हैं ना बल्ब शॉर्ट हो गया बल्ब, तो उस बल्ब को आप ध्यान से देखो, उसके अंदर का जो वो लाइन होती है ना फिलामेंट की, वो या तो टूट चुकी होती है या फिर पूरी तरह वो जल जाती है। तो दिस बल्ब इज कॉल्ड अ फ्यूज्ड बल्ब, और उस बल्ब को क्या कहा जाता है, फ्यूज बल्ब, क्योंकि उसका फिलामेंट काम नहीं कर रहा है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वॉज ब्रोकन और फ्यूज टू द एक्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा करंट उसमें से कंटिन्यूस, अब दिन भर अगर वो बल्ब, येलो वाला बल्ब जो होता है ना, बड़ा सा येलो लाइट देता है, अगर वो दिन भर चलता रहे ना, तो वो दो चार दिन में ही वो फ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली करंट उसमें फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तो उसका फिलामेंट क्या होता है, पूरी तरह जल जाता है। As we have already discussed that current flowing through a conductor produce heat. अब हमने पहले पढ़ा है कि अगर कंडक्टर के थ्रू जा रहा है करंट तो हीट प्रोड्यूस करेगा। The heat produced in a conductor increases with the current flowing through it. और जैसे अगर continuously flow होता रहेगा current, तो heat भी continuously produce होती रहेगी। That is more current produce more heat. ज़्यादा current रहेगा तो ज़्यादा heat produce होगी। Therefore, an excess current flowing through a circuit sometime produce excess heat in the circuit.
दैट कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड मे इवन कॉज द रिस्क ऑफ फायर। अगर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है करंट, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी खराब कर सकता है वो, साथ ही में आग लगने का भी डर रहता है, वो पूरी तरह जल के ब्लास्ट हो सकते हैं। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सेस हीट जनरेटेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अब फ्यूज का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा करंट फ्लो अगर हो रहा है तो हीट कम हो, और उस अप्लायंस को क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। अब देखें क्या है, अ सेफ्टी डिवाइस यूज एन इलेक्ट्रिक करंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड अ फ्यूज। एक फ्यूज क्या होता है, ऐसा सेफ्टी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट में जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसे कम करता है, डैमेज से रोकता है, ताकि ज्यादा करंट जो है वो फ्लो ना हो। अगर करंट ही कम फ्लो होगा तो जो सर्किट जो हीट है वो भी कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी तो हमारा काम इजीली हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। अब प्रिंसिपल देखें क्या है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का प्रिंसिपल। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It consists of a short thin wire, fuse wire made of a material with low melting point. अब जो फ्यूज है वो वायर से बना हुआ होता है, ठीक है, उसका वायर जो होता है वो फ्यूज वायर अलग ही होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। द फ्यूज वायर मेल्ट इजिली वेन हीटेड ड्यू टू एक्सेस करंट एंड ब्रेक द सर्किट। और जैसे ही वो फ्यूज वायर जो होता है, जैसे ज्यादा हीट अगर उसे मिलती तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है, और टूटा तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं होता है। No electric current can flow through the broken circuit and thus the fuse protects the circuit from damage due to excess current. अब ये क्या होता है, फ्यूज क्या करता है, बचा लेता है हमारे सारे अप्लायंस, सिर्फ हमें फ्यूज का वायर ही चेंज करना होता है। जब वो चला था घर का फ्यूज चला गया, तो फ्यूज में यही होता है, वो क्या करता है, जब बहुत ज्यादा हीट मिलती है तो वायर उसका अपने आप वहीं से वायर टूट जाता है, और जब वहीं से टूट गया वायर, मेन लाइन से वायर टूट जाता है, तो आगे करंट फ्लो नहीं हो पाता है, और फिर आप फ्यूज का वायर चेंज कर लो थोड़े टाइम के बाद, फिर वापस अगर, तो आपके अप्लायंसेस जो होते हैं ना वो खराब नहीं होते, डायरेक्टली उन पर डैमेज नहीं पहुंचता। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर आर दैट इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस। इनका मेन कैरेक्टर क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, और जो रिलेटिविटी है हाई रेजिस्टेंस की, वो रिलेटिव हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इट इज यूजली मेड फ्रॉम एन अलॉय ऑफ टिन एंड लिड। टिन और लिड से बना होता है, क्योंकि टिन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और लिड का जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जनरली फ्यूज वायर्स आर कनेक्टेड इन अ ग्लास और प्रोक्लीन केस टू इंश्योर दे डू नॉट बर्न एंड कॉज डैमेज टू अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। अब मोस्टली इन्हें प्लग के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, प्लग जो होता है उनका वो कैसा होता है, या तो वो एक बहुत अच्छे प्लास्टिक में प्रोक्लीन होता है, प्रोक्लीन केस होता है, प्लास्टिक का केस होता है, या फिर कांच का केस होता है। अब तो कांच वाले तो मिलते नहीं, प्रोक्लीन वाले ही मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर अंदर जल जाए, ठीक है, वो बाहर तक आग नहीं आ पाती, ताकि दूसरे पार्ट जो है वो सर्किट के वो डैमेज ना हो। मैनी अप्लायंसेज हैव अ फ्यूज वायर इन द प्लग, इफ द फ्यूज ऑफ एन अप्लायंसेज गेट्स ब्लोन इट नीड टू बी रिप्लेस। अब बहुत सारे अप्लायंसेज में फ्यूज वायर ही लगा हुआ होता है, लगा हुआ इनबिल्ड ही रहता है वो, और अगर वो जल जाता है तो फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। इन हाउस होल्ड फ्यूज आर रिप्लेस बाय द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये रहा, एंड MCB इज अ डिवाइस दैट हैज वन और मोर स्विचेस। व्हेन द करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू द स्विच ऑफ द MCB स्विच ऑफ एंड ब्रेक्स द सर्किट। अब जैसे ही करंट फ्लो अगर ज्यादा होता है तो ये अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है, अपने आप नीचे आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं ये, और करंट फ्लो बंद हो जाता है। अनलाइक अ फ्यूज द MCB कैन बी रीसेट इजिली बाय फ्लिपिंग द स्विच बैक ऑन द ऑन पोजीशन। और इसलिए बहुत ही आजकल तो घरों में यही लगाते हैं, ताकि जब भी फ्यूज हो तो ये अपने आप, जैसे करंट फ्लो ज्यादा होता है ये अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है, अपने आप बंद हो जाता है ये, और अगर बंद हो गया तो आप इजिली जाके उसे फिर से ऑन कर दो, ऑन पोजिशन पे पहुंच जाएगा, करंट फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट और उसके हीटिंग इफेक्ट, और कुछ बता दिया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।